हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 23rd पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के भाग 23 में आप सबका स्वागत है। फ्रॉम दिस वीडियो वी गोइंग टू स्टार्ट आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, आर्य संस्कृति की पहचान के बारे में देखना शुरू करेंगे हम। ये आर्यन थे कौन, कहाँ से आए, ये आर्यन कल्चर क्या था, किस तरीके की चीज़ें जो हैं इस आर्यन कल्चर में फॉलो की जाती थी। सो व्हाट आइडिया वी गेट फ्रॉम द टेक्स्ट रिगार्डिंग आर्यन कल्चर, आर्यन कल्चर से रिगार्डिंग जो हमें टेक्स्ट मिले हैं उससे हमें क्या पता चलता है आर्यन कल्चर के बारे में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। सो जो हमें टेक्स्ट मिले हैं, वैदिक, ईरानियन एंड ग्रीक लिटरेरी टेक्स्ट, ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं आर्यन कल्चर के बारे में जानने में। देन दीज टेक्स्ट आर वेरी हेल्पफुल इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल एंड अदर आस्पेक्ट ऑफ आर्यन कल्चर। ये जो टेक्स्ट हैं इससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है इस बात को समझने में कि आर्यन कल्चर जो है वो कैसा हुआ करता था, किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती थी। तो उसके अंदर भी अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ऋग वेदा, जैन अवेस्था एंड होमर्स के द्वारा लिखी गई इलियाड एंड ओडिसी जो हैं ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो जाते हैं जो रिलेशन रखते हैं आर्यन कल्चर से। सो इन टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक कल्चर के बारे में पता चलता है, वो कल्चर जो उस टाइम पीरियड में बिलोंग करता था जब ये सारे चीज़ें जो हैं ये लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं लिखे गए थे, बनाए गए थे। देन जैन अवेस्था क्या है, तो जैन अवेस्था जो है ये धार्मिक बुक है पारसीज का, एंड होमर्स के द्वारा इलियाड एंड ओडिसी जो है वो लिखी गई थी, तो ये ग्रीक लिटरेचर को बिलोंग होता है। सो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है आर्यन कल्चर का। सो अभी देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम क्यों देख रहे हैं, तो ऋग वेदास का जो टाइम है वो रफली 1500 BC का दिया हुआ है, एंड उसमें एडिशन जो है बाद में किया गया है इन लेट 1000 BC। फिर जैन अवेस्था की टाइमिंग हम देखें तो इसका जो अर्ली फेज है तो वो रफली बिलोंग करता है 1400 BC में, एंड होमर्स के द्वारा जो इलियाड एंड ओडिसी लिखी गई थी उसका टाइम पीरियड बताया जाता है 900 to 800 BC। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1400 BC की बात की जा रही है रिगार्डिंग जैन अवेस्था। हम अगर ऋग वेदास की बात करें तो 1500 की बात चल रही है, एंड ऋग वेदास की और बात करें तो 1000, एंड यहाँ पे होमर्स के द्वारा जो इलियाड एंड ओडिसी लिखी गई है दैट वॉज हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 900 to 800 BC। तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है बट टाइम पीरियड लगभग सेम है, जबकि ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी ये एक ही टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड जब इंसानों के द्वारा कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो है वो यूज किया जा रहा था। सो इन टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं, इन लिटरेरी सोर्सेज को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सोसाइटी के बारे में, वो सोसाइटी जो मेल डोमिनेटेड हुआ करती थी, ठीक है, मीन्स आर्यन कल्चर जो था उसके अंदर पुरुषों का वर्चस्व रहता था, जो हम आज के टाइम पे भी देख रहे हैं। अगर मेघालय एरिया को छोड़ दिया जाए इंडियन स्टेट में, तो ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं कि जो डोमिनेशन है मेल का वो ज़्यादा है सोसाइटी में। देन डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए वो लोग दो तरीका फॉलो करते थे, पहला था कि जमीन को खोदा एंड उसके अंदर डेड बॉडीज़ को लिटा के ऊपर से मिट्टी डाल देते थे, जिसे हम आज के टाइम पे कब्र के रूप में फॉलो कर रहे हैं। एंड दूसरा जो था दैट वाज क्रिमेशन। क्रिमेशन में क्या होता था, दाह संस्कार, मीन्स आग से जला दिया जाता था। तो अगर हम सनातन धर्म में देखें तो मैक्सिमम टाइम क्या किया जाता है, डेड बॉडीज़ को लकड़ियों पर रख के जला दिया जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जा रही थी उस टाइम फेज में उन लोगों के द्वारा। देन आगे अगर हम देखें तो जो अग्नि उपासना था एंड सोमा जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे लोगों के बीच में। किन लोगों के बीच में, तो वो लोग जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे ईरान में एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ईरान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जा रही थी। एंड इन लिटरेरी सोर्सेज से हमें पता चलता है कि जो जानवर थे उनकी बलि दी जाती थी, एंड घोड़े जो थे उनकी भी बलि दी जाती थी उस समय। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडो यूरोपियन कम्युनिटीज़ के द्वारा फॉलो की जा रही थी बहुत ही पुराने टाइम से। सो अगर हम उन एरियाज़ की बात करें जो रिलेशन रखते हैं रिगार्डिंग ऑल दिस टेक्स्ट एंड रिगार्डिंग आर्यन कल्चर, तो हमें ब्रॉडली देखें तो पता चलता है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक एंड सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये रिलेशन रखते हैं आर्यन कल्चर से। सो बहुत सारी कम्युनिटीज जो थी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो बोल रही थी, एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो लोग बोल रहे थे मैक्सिमम वो लोग एक ही कल्चर जो है वो फॉलो कर रहे थे। और ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ये जाके सेटल हो रहे थे। अब देखते हैं हम कैस्पियन सी के बारे में थोड़ा सा। सो कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी जो है
एक्चुअली में ये लेक है, ये समुद्र नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इससे रिगार्डिंग हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि ये लैंड लॉक्ड है, मीन चारों साइड से ये जो है ज़मीन से घिरा हुआ है। तो हमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है ये कैस्पियन सी। तो चलिए थोड़ा सा कैस्पियन सी के बारे में देखते हैं। तो कैस्पियन सी जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट इनक्लोज इनलैंड वाटर बॉडी ऑन अर्थ बाई एरिया। एरिया के हिसाब से देखें तो ये ऐसा वाटर बॉडी है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इनलैंड वाटर बॉडी की बात करें तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट इनक्लोज इनलैंड वाटर बॉडी और बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ बाय एरिया, एंड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। क्या है? लेक है, ये सी नहीं है, ये लेक है। लेक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो लेक को हम हिंदी में कहते हैं झील। तो ये जो कैस्पियन सी है एक्चुअली में ये झील है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है। अगर हम इसकी डेप्थ से रिगार्डिंग बात करें, मीन्स इसकी गहराई को अगर हम देखें, तो गहराई के मापदंड में ये वर्ल्ड का तीसरा डीपेस्ट जो लेक है उसमें गिना जाता है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो इतनी है, बट ये डिजिट्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है वो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैस्पियन सी को मजदारन सागर या मजदारन सी के नाम से जाना जाता है। ये कौन से दो कंटिनेंट के बीच में है? तो एशिया एंड यूरोप कंटिनेंट के बीच में ये जो है सी या लेक जो है ये पड़ता है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है जिसका सरफेस एरिया इतना है। अगेन हमें ये डिजिट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस हमें इतना याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है ये। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिमिलर है सी एंड लेक से। सो कैस्पियन सी जो है ये लैंड लॉक्ड है एंड यूरोप एंड एशियन कंटिनेंट के बीच में पड़ता है। सो वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको घेरे हुई हैं? तो रशिया, कजकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, एंड आगे अगर हम देखें तो अजरबैजान, इन पांचों कंट्रीज से घिरा हुआ है ये कैस्पियन सी। तो ये पांचों कंट्रीज के जो नाम है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। देन एंशिएंट टाइम को अगर हम देखें तो एंशिएंट जो रोमन्स थे वो जब कैस्पियन सी के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि इसका जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा खारा था, ठीक है। है तो ये झील, हम इसको झील कह रहे हैं, बट इसका जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा खारा था, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था, एंड जो नॉर्मल सी वाटर था उससे भी ज़्यादा ये पानी जो था वो खारा था। इसीलिए रोमन्स ने, एंशिएंट जो रोमन्स थे उन्होंने सोचा कि ये जो है समुद्र है, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है कैस्पियन सी रख दिया। और कैस्पियन सी क्यों रखा गया? कि वहाँ पे कैस्पियन ट्राइब रहती थी, तो कैस्पियन ट्राइब के नाम से कैस्पियन सी जो है इस वाटर बॉडी का नाम रख दिया गया, ठीक है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को देखें जो हमें लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, तो उससे हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ट्रीज, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। सो वो टाइम पीरियड जो है किस तरीके का होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते होंगे, तो आर्यन कल्चर में ये सारी चीज़ें, मीन्स इन्वायरमेंट कैसा था, आर्यन जो है किस एरिया में रहते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें टेक्स्ट के द्वारा, जो लिटरेरी सोर्सेस है उनके द्वारा पता चलता है। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो आर्यंस थे वो ज़्यादा गर्म कंडीशन में नहीं रहते थे, ठीक है। वो किस कंडीशन में रहते थे? तो किस जोन में रहते थे? तो टेम्परेट जोन में रहते थे, ठीक है। तो टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर हम ग्लोब को इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन का आ जाएगा, उसी तरीके से नीचे आ जाएगा। तो इक्वेटर के आसपास कौन सा एरिया रहता है? तो टॉरिड जोन कहते हैं, जो जहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, एंड गर्मी जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जो आर्यंस थे वो कौन से एरियाज में पाए जा रहे थे? तो टेम्परेट जोन में थे। एंड ये एरिया कहाँ था? तो ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का जो एरिया है वो टेम्परेट जोन में फॉल होता था। देन जेनेटिक मार्कर्स की बात करें M17 की, तो उससे हमें पता चलता है कि जो 40% जो लोग थे सेंट्रल एशिया के स्टेप्स में, वो लोग पाए जाते हैं
इंडो आर्यन स्पीकर्स में, यानी जो जीन्स 40% जो जीन्स आर्यन कल्चर के लोगों की थी, वही जीन्स जो है इंडो आर्यन जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो हैं माइग्रेट हुए थे। अगर हम हिंदी स्पीकिंग एरिया देखें दिल्ली को, तो यहाँ पे 35% जो लोग हैं उनके अंदर जीन्स जो हैं पाई गई जो आर्यन कम्युनिटी को बिलोंग होती थी। इससे हमें पता चलता है कि जो इंडो आर्यंस थे वो कहाँ से माइग्रेट होके आए थे, तो वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके आए थे। तो अगर पूछा जाता है कि आर्यंस जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे एंड वहाँ से माइग्रेट होके वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंड बाकी देशों में वो गए थे। तो ये सेंट्रल एशिया जो है, इन कंट्रीज़ को मिला के सेंट्रल एशिया बनता है। तो इस एरिया में जो आर्यंस थे वो पहले पाए गए थे एंड बाद में फिर वो माइग्रेट हुए थे। तो इधर से फिर हम देखेंगे कि इंडियन टेरिटरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इधर पाकिस्तान है। सो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में फिर माइग्रेट हुए होंगे। आपने ये मूवी देखी है तो इसके अंदर आपको पता ही होगा कि डॉक्टर साहब ने क्या बोल के इनको कन्विंस किया था कि तुम आर्यन हो, तुम अपनी पावर को जानो। इससे हमें पता चलता है, मीन्स जो जेनेटिक चीज़ें हमें मिली हैं M17, उससे हमें पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यंस जो हैं वो भी आए थे, वो यहाँ पे रहे थे। फिर घोड़ों से रिगार्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन से रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। तो जो घोड़े थे वो एक अभिन्न अंग हो चुके थे आर्यन कल्चर के। तो आर्यन कल्चर में घोड़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था एंड घोड़ों का जो नाम था वो दिया जाता था अश्व। तो अगर हम संस्कृत में देखें तो अश्व जो है वो संस्कृत नेमिंग है घोड़ों की, और ऋग वेदा में ये जो नाम है ये मिलता है। देन अश्व जो है या फिर हॉर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है वो संस्कृत, अवस्थन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलते हैं। एंड ये जो नाम दिए गए हैं, नामकरण किया गया है घोड़े का, ये लगभग सेम है, मीन्स उनका जो ओरिजिन है वो सेम है। हम देख सकते हैं कि जो घोड़े थे उनका एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था इन आर्यन कल्चर के अंदर। आगे हम देखेंगे कि घोड़ों को बहुत ज़्यादा तजव दी जाती थी उस समय। देन एंशंट टेक्स्ट को अगर हम देखें, पर्टिकुलरली वैदिक एंड अवेस्थन टेक्स्ट को, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो लोग थे वो अपना नाम भी घोड़ों से रिलेटेड रखते थे। मीन्स जैसे हम अश्व कह रहे हैं तो अश्व से रिलेटेड ही नाम जो है लोग अपना रखते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है दिया जाता था उस कल्चर में, आर्यन कल्चर में। देन अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो घोड़ों के 50 नाम एंड जो रथ हुआ करते थे उसके 30 नाम जो हैं दिए गए थे। मीन्स घोड़ों को अलग अलग 50 नाम से पुकारा जाता था एंड जो रथ हुआ करते थे उनको भी 30 अलग अलग नाम से बोला जाता था। फिर अगर हम अस्पा या हॉर्स देखें, सो अस्पा एक जगह पे और आता है वर्ड। अस्पा को हमने पढ़ा था, दो अस्पा सी अस्पा, तो ये मुगल एम्पायर जो था उस टाइम को बिलोंग करता था। दो अस्पा सी अस्पा जो है जहांगीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था जागीरदारी सिस्टम के अंदर। ये अस्पा वर्ड देखिए कितना पुराना है, आर्यन से ये कैरी होते 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 दिल्ली सल्तनत, मीन्स मुगल एम्पायर जो है उस समय भी ये वर्ड जो है ये यूज किए जा रहे थे। अस्पा एंड हॉर्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सेवरल ईरानियन चीफ इन द अवेस्ता। अगर हम अवेस्ता को पढ़ें तो जो ईरानियन चीफ थे उनके नामों में भी अस्पा या हॉर्स जो है वो यूज किया जाता था, तो हॉर्स का इतना इंपॉर्टेंस था। फिर अगर हम ऋग वेदास को देखें तो ऋग वेदास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में 215 बार घोड़ों का नाम लिया गया है। घोड़ों का मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ऋग वेदास में, एंड कितने बार, तो 215 बार। तो 215 बार अगर किसी चीज़ को रिपीट किया गया अलग अलग फॉर्म में, मीन्स उसको अलग से ट्रीट किया जाता होगा, अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा लोगों के द्वारा। उसी तरीके से गाय की अगर हम बात करें तो गाय का जो नाम है वो 176 टाइम आता है ऋग्वेदा में, एंड उसी तरीके से जो बुल होते हैं उसका भी नाम जो है 170 टाइम्स आता है अपने टेक्स्ट में ऋग्वेदाज में। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ें थी, मीन्स ये जो एनिमल्स थे इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था एंड
इससे पता चलता है कि कैटल रियरिंग जो है वो किया जाने लगा था इन कल्चर के द्वारा, यानी जो आर्यंस थे वो जानवरों को पाल रहे थे। एंड जानवरों के अंदर किन जानवरों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, तो जो घोड़े थे उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, फिर जो गाय थी उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, एंड जो बुल था उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। देन वैदिक टाइम को अगर हम देखें तो उस समय वैदिक जो कल्चर में जो लोग थे वो लोग प्रार्थना करते थे प्रजा के लिए, प्रजा यानी बच्चों के लिए एंड पशु यानी कैटल्स के लिए। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम जो जनता है वो क्या प्रे करती है, भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे लखपति बना दो। बट उस समय लोग जो हैं प्रार्थना करते थे बच्चों के लिए एंड कैटल्स के लिए, कि उनके पास अच्छा खासा परिवार हो, उनका जो प्रजा हो वो अच्छा हो, एंड जो पशु हैं वो उनके पास रहें, एंड स्पेशली वो घोड़ों की डिमांड करते थे भगवान से। ठीक है, मीन्स अपनी प्रार्थना में वो घोड़े जो हैं मांगते थे भगवान से। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाती थी आर्यन कल्चर के द्वारा। देन अवेस्ता अगर हम देखें तो कैटल वेल्थ जो है अवेस्ता के अंदर रिप्रेजेंट होता है, कि जो कैटल वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, एंड स्पेशली जिसके पास ज़्यादा घोड़े रहते थे उस बंदे की इम्पोर्टेंस जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सिमिलरली वैदिक ईरानियन एंड ग्रीक टेक्स्ट जो हैं उससे हमें पता चल रहा है कि जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे वो लोग घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते थे, एंड घोड़े जो थे वो अभिन्न अंग हो चुके थे इन कल्चर्स के। मीन्स वैदिक ईरानियन एंड ग्रीक टेक्स्ट जो लिखे गए थे उस टाइम फेज में जो लोग रहते थे, यानी हम आर्यंस की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया था, एंड घोड़े जो थे वो अभिन्न अंग हो चुके थे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।